कराची में फिर बादल बरस पड़े। कोरंगी लांढी डिफेंस, मंजूर कॉलोनी मलीर, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन समेत कई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गरज बरस का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। नशेबी इलाकों में दोबारा अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील, पानी घरों में दाखिल, बिजली की आंख मचोली, लोगों को मुश्किलात का सामना। पंगरियों, मीरपुर खास, उमरकोट समेत जेरी सिंध में भी वक्फे वक्फे से बारिश। कोरोना से मजीद 9 अफराद जान से गए। अब तक 6,255 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,93,711 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 450 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 9,031 रह गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब और लीगी अराकीन असेंबली में दोबारा राबते। गुजरांवाला से MPA अशरफ अंसारी की उस्मान गुजार से मुलाकात। साबिक हुक्मरानों ने सिर्फ नुमाइशी मंसूबों पर काम किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की अवामी मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास। सियासी और मुआशी सूरतेहाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा। अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी। नून लीग नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। सियासी मुखालफीन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी तर्जुमान के इजलास में गुफ्तगू। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग एक्टिव। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आज मुलाकात तय। APC और अपोजिशन जमातों में फासले कम करने पर मुशावरत होगी। तब्दीली सरकार हर शोबे में नाकाम करार। एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को दीवार से लगाने का तमाशा कौम ने देख लिया। लोग पुराने पाकिस्तान को तरस गए। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर नून लीग का वाइट पेपर जारी। सेहत याबी के बाद नवाज शरीफ वापस आएंगे। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ और उनके साथ बैठे अफराद की ज्यादातर बातों पर हंसी आई। इदारों की तबाही के जिम्मेदार यही लोग हैं जो अपोजिशन में बैठे हैं। इनकी करप्शन के बायस आज अवाम महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। शिबली फराज का रद्द अमल। दीपालपुर में खातून वकील के अगवा का मामला। वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। शहजाद अकबर की पंजाब पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। दफ्तर से 14 अगस्त को अगवा किया गया था। मुतासरा खातून का वीडियो में बयान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राणा। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करते हैं, खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां मॉनसून का छठा स्पेल जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। कोरंगी, लांढी, डिफेंस, मंजूर कॉलोनी में बादल बरसे, जबकि मलीर, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन समेत कई इलाकों में रिमझिम जारी है। बारिश का ये सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि शहर कायद में बादल खूब बरसे, मॉनसून का छठा स्पेल जिसका आगाज हो गया। कहीं तेज बारिश हुई, कहीं हल्की बारिश हुई। कोरंगी, लांढी, डिफेंस और मंजूर कॉलोनी में बादल खूब बरसे, जबकि मलीर, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन समेत कई इलाकों में रिमझिम हुई है। जी हाँ, हालिया बारिशों ने कराची को डबो दिया है। कराची कोरंगी के हवाले से कॉजवे रोड फिर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का ये बताना है। इसी हवाले से आपको ये बताएं कि मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक इस वक्त जैम है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुरजानी टाउन समेत मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कीचड़ दलदल बन गया है। तो हालिया बारिशों ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते होने वाली बारिशों के बाद भी शहर की अबतर सूरत हाल थी। नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए। इसके
अलावा हमने देखा कि दरहम बरहम हो गया, वहां पर कई गाड़ियां ऐसी थी जो कि ट्रैफिक जैम का शिकार रही। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि के इलेक्ट्रिक का निज़ाम भी ठप हो गया था। तो हालिया बारिशों के बाद जो अबरे रहमत हमने देखा वो अबरे जहमत बन गया। इसी मुताबिक बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शामिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। शामिर, कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर की, कहाँ पर मौजूद हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सरजानी टाउन यूसुफ गोट में, जो कि इस बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। जो इसकी गलियां थीं वो तालाब का मंजर पेश कर रही थी, कई कई फिट जो है इसमें पानी जमा हो गया था। यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की जो टीमें थी वो यहाँ पे आई, कश्तियों का इस्तेमाल किया गया, लोगों को निकाला गया, मोटरें लगाई गई जिसके ज़रिए पानी की निकासी की कोशिश की गई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के जो सीवरेज सिस्टम है, जो लाइन्स हैं, वो चौक हैं, इसलिए वो हिकमत अमली भी फेल होती हुई दिखाई दी, तो लोगों को यहाँ से नकल मकानी करना पड़ी। अभी भी जो है पाकिस्तान आर्मी की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, ईदी के रजाकार आए जिन्होंने कश्तियों का इस्तेमाल किया, और जो अंदर लोग महसूर हैं अपने घरों में फंसे हुए हैं उसमें खासा बड़ी तादाद उन लोगों की भी है, जो बीमार हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पर इन घरों में रिहाइश पजीर हैं, उनको यहाँ से जो है बाहिफाजत निकालने की कोशिश है, ताहाल जारी है। तीन रोज़ से इस इलाके की यही सूरत हाल है कि गली मोहल्ले तमाम तक जो है वो पानी से भरे हुए हैं, मसाजिद जाने वाले रास्ते बंद हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोग इस रहीम गोट और यूसुफ गोट के जो मकीन हैं वो इस वक्त इस बारिश के पानी में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो इंतज़ामिया जिनका काम है जो इस मुसीबत से निजात दिला सकते हैं वो गायब दिखाई दे रहे हैं, और यूसुफ गोट का ये पहली बार ऐसा हाल नहीं हुआ। इससे पहले भी जब शदीद बारिशें होती हैं, मूसलाधार बारिशें होती हैं, तो यही सूरत हाल होती है, पानी भर जाता है, लोग अपने घरों में महसूर होते हैं, नकल मकानी करनी पड़ती है। लेकिन हमेशा हर साल की तरह अफसोस यही है कि ये मसाइल हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी भी यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान आर्मी की टीमें हैं, वो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं, ईदी के रजाकार हैं, छिपा रजाकार कहीं कहीं नज़र आते हैं, लेकिन हुकूमती मशीनरी, हुकूमत सिंध, मेयर कराची की टीम वो यहाँ पे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती हैं। एक बार फिर से बिल्कुल इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं देती, तफसीलात बता रहे थे शामिर खान, बहुत शुक्रिया आपका। तो महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई, कराची में मानसून का छठा स्पेल गुज़श्ता रोज से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद बताएंगी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सालिहा फिरोज खान। जी, शहर क़ायद का मौसम अब तब्दील हो गया है, सुबह से ही शहर क़ायद में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के हिल पार्क में, और इतना अच्छा मौसम होता है तो सुबह सवेरे शहर क़ायद के बासी अपनी नींद से भी बेजार हो जाता, उठने को दिल करता है। तो यहाँ पर कुछ शहरी आए हुए हैं जो कि मौसम से लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। कुछ देर पहले तक खूब तस्वीरें भी बनाई जा रही थी, क्या कहना चाहेंगे, अब तक कितनी तस्वीरें निकाली हैं? तकरीबन 10-15 तो बना ली हैं हमने। मौसम के हवाले से क्या कहेंगे? मौसम बहुत अच्छा है आजकल, तो हमने सोचा कि सुबह सुबह ग्रीनरी देखने कहीं जाते हैं तो हिल पार्क से बेस्ट जगह नहीं थी। हिल पार्क से बेस्ट जगह कोई है नहीं, आप मुझे ये बताएं मौसम को कितना ज़्यादा इंजॉय करी? मौसम तो बहुत अच्छा है, और वैसे हम दिन में सो रहे होते हैं लेकिन मौसम की वजह से हमने भी अपनी आज नींद ख़राब की है। जी जनाब, तकरीबन बारिश की झड़ी लगी तो शहरियों के चेहरे भी जो है वो खुशी से खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात ने भी ये पेशगोई कर दी है कि शहर क़ायद में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिसके सबब अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा जाहिर कर दिया गया है। खबर यह है कि ज़ेरी सिंध में भी बादलों के डेरे और बादल खूब जमकर बरसे, उमरकोट, डिगरी, मीरपुर खास और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश हुई, जबकि पंगरियों में बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। ठठा में नशेबी इलाके जेरे आब आ गए और डगरी में भी हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जेरे सिंध में भी बादलों के डेरे हैं, बादल जम के बरस रहे हैं, उमरकोट, डगरी, मीरपुर खास और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके अलावा हमने देखा कि शहर कायद कराची की सूरत हाल भी आपको दिखाई कि वहां पर भी बारिश का सिलसिला जारी है, जहाँ पर नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। इसके अलावा सिंध की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। तो सिंध में शदीद बारिशें हो रही हैं, जिसके बायस ट्रेन ड्राइवर्स को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोटरी, हैदराबाद और टंडू आदम के दरमियान दो तरफा ट्रैक पर मोहतात रहने की हिदायत की गई है। ये बताया जा रहा है कि किलोमीटर नंबर 176 से 237 तक ट्रैक अलर्ट रहना होगा, इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिंध में शदीद बारिशों के पेश नज़र ट्रेन ड्राइवर्स को भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कोटरी, हैदराबाद और टंडू आदम के दरमियान दो तरफा ट्रैक पर मोहतात रहने की हिदायत की गई
गई है, मजीद क्या हिदायत जारी की गई, नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, ये जानेंगे। हेड ऑफ स्पेशल प्रोजेक्ट जुल्फकार अली महदू हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा जुल्फकार। जो डिप्टी सीओपीएस सेफ्टी है रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में पाकिस्तान रेलवे के, उनकी तरफ से एक हाथ से लिखा हुआ नोटिफिकेशन जारी किया गया है हंगामी तौर पे, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम जो ट्रेन ड्राइवर हैं कराची से लाहौर और लाहौर से कराची जाने वाले, वो कोटरी से टंडो आदम तक यानी बीच में हैदराबाद तक शदीद बारिशों के बाद जो है वो हाई अलर्ट रहे, और किलोमीटर नंबर 147 से 237 तक वो इंतहाई जो है वो अलर्ट रहे, ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। तो ये गैर मामूली किस्म का नोटिफिकेशन है जो हाथ से जारी किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्फकार महतू, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।